हे एवरीवन, मेरा नाम है शिवम और मैं आप सभी का फिर से स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल दी टेक्नोफाइल में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जिस गैजेट के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है ऑटो स्टीयरिंग मंच। ये काफ़ी यूजफुल गैजेट है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देर नहीं करते और इस वीडियो को चालू करते हैं। तो देर किस बात की, चलो शुरू करते हैं। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि प्रोडक्ट कैसा दिखता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये है ऑटो स्टीयरिंग मग और इसकी जो पैकेजिंग आप देख सकते हैं कि काफ़ी कस्ता हालत में है, लेकिन ये प्रोडक्ट काफ़ी यूज़फुल है, इसलिए मैं इसका रिव्यू करना चाहता था, इसको वीडियो बनाना चाहता था। तो चलिए मैं इसको बॉक्स को ओपन कर देता हूँ और इसके अंदर मग को निकाल देता हूँ। तो जैसे कि देख सकते हैं कि बॉक्स के अंदर और भी कुछ नहीं है, सिर्फ एक हमें मग मिल जाता है। और आप देख सकते हैं कि ये मग कितना अच्छा लग रहा है, इसकी एकदम प्रीमियम क्वालिटी का है और एकदम ये प्लास्टिक है, हार्ड प्लास्टिक जो मटेरियल होता है ना उससे बना हुआ होता है, तो ये इजीली ब्रेक नहीं होगा, ऐसी कोई टेंशन नहीं है और काफ़ी अच्छा है ये दिखने में भी। आप इसके अंदर एक से डेढ़ ग्लास का मिक्सचर बना चाहते हैं, चाहे वो जूस हो, कॉफ़ी हो और कुछ भी, ठीक है, जो आपको जो इसमें बन सकता है। एक्चुअल में हर कोई चीज़ नहीं बन सकती, इसलिए हमें इसमें ज़्यादा अपनी होशियारी नहीं माननी है और इसके अंदर जो मिक्सचर बन सकते हैं वही बनाना है एक्चुअल में। तो आप जूस वूस और ये शेक वेक ये सब कुछ इसमें बन सकता ही। तो चलिए दोस्तों, मैं ले चलता हूँ आपको एक क्लोजर वीडियो में और आपको सारी जानकारी देता हूँ कि इसको कैसे यूज़ करना है और कैसे ये यूज़फुल है हमारी डेली लाइफ में। चलिए दोस्तों, ले चलता हूँ आपको एक क्लोजर वीडियो में। इस गैजेट का सबसे बेस्ट फीचर ये है कि ये पोर्टेबल है, आप इसे कहीं भी ले जा सकते हैं। आप इसे जिम में यूज़ कर सकते हैं, आप अपने ऑफिस, होम, ट्रैवल, टूर, और अगर आप एक स्पोर्ट पर्सन है तो हमें पता है कि उसे स्पोर्ट्स पर्सन को हर घंटे में उसको ग्लूकोन डी पीना, नींबू पानी पीना, तो वो आराम से बना सकता है इसमें मिक्स करके। तो काफ़ी अच्छा है ये और इसको इजी टू यूज़ है, इसको कहीं भी ले जा सकते हैं आप। और इसके अंदर जो आप देख सकते हैं कि बैटरी जो डलती है वो डलती है इसके नीचे पार्ट में, तो ये वाला जो पोर्शन है ये निकल जाता है। आप देख सकते हैं ये कैप निकल गई है और इसके अंदर बैटरी डलती है 1.5 वोल्ट, यानी ट्रिपल ए की जो बैटरियाँ आती है वो डलती है। तो इजीली इसके अंदर सिर्फ दो बैटरी से ही काम चल जाता है। और इसके अंदर ये जो जार का साइज़ है वो 400 ml का है, तो एक से डेढ़ ग्लास इसमें इजीली कुछ भी आप मिक्सचर बना सकते हो। अब चलिए मैं फटाफट से इसमें बैटरी डाल के दिखा देता हूँ आपको और इसको ऑन करके दिखाता हूँ। तो इसके अंदर ये यहाँ पे बैटरी डल जाएगी, आपको ट्रिपल ए वाली दो बैटरियाँ डालनी है इसमें, और आप देख सकते हैं कि ये डल चुकी है इधर, और इसको कैप को वापस लगा देना है अच्छे से और ये लग चुका है, अब इसको ऑन कर देना है। आप देख सकते हैं कि मशीन स्टार्ट हो गई है। इसके अंदर जो मोटर यूज़ हो रही है, जैसे कि देख सकते हैं इसके अंदर तीन ब्लेडें लगी हुई है, तो ये थ्री ब्लेड मोटर मशीन यूज़ हो रही है। अगर आप इसको 5 सेकंड भी चलाएंगे तो ये इजीली इसको मिक्स कर देगा 5 सेकंड में ही, तो आपको 5 सेकंड से ज़्यादा चलाने की ज़रूरत नहीं है और इजीली मिक्स हो जाएगा। और देख सकते हैं कि ये ऐसे चलता है, और अगर मैं इसको ओपन करता हूँ आप जार को देख सकते हैं अंदर से भी, और इसके अंदर ये देख सकते हैं कि ये धुलेगा नहीं क्योंकि इसकी बार लगी हुई जो ये कॉक रबड़ की कॉक लगी हुई जो इसे ढूंढने नहीं देती है। अगर आपको पीना हो तो आप डायरेक्ट यहाँ से पी भी सकते हैं, मिक्सचर ढुलेगा नहीं बिल्कुल भी क्योंकि ये कॉक की रबड़ लगी हुई है, तो बिल्कुल भी नहीं ढुलेगा। और आप है ना मिक्सचर तैयार करके और इजीली पी भी सकते हैं, यहाँ से इसको लगा दिया और मिक्सचर रेडी होने के बाद में आप पी सकते हैं। आप इसके अंदर काफ़ी और चीज़ें भी बना सकते हैं, जैसे आप इसके अंदर प्रोटीन शेक बना सकते हैं, अपना मिक्स ड्रिंक बना सकते हैं कोई भी, और कॉकटेल, कॉफ़ी, जूस और काफ़ी चीज़ें, जैसे अगर आप इसके अंदर पाउडर फॉर्म वाले आजकल जो शेक आते हैं वो भी बना सकते हैं, पाउडर डाला और मिल्क डाल के आप इसके अंदर आराम से इजीली शेक भी बना सकते हैं आप। और क्रीम वाले भी आते हैं आजकल, क्रीम फॉर्म में भी आते हैं काफ़ी, तो क्रीम डालने के बाद भी और इसके अंदर दूध डालने के बाद भी तो वो भी शेक बन सकता है बहुत ईजीली। और इसके अंदर ये ध्यान रखना है कि चाय वाय ये नहीं बन सकती क्योंकि इसके अंदर जो वाटर यूज़ होता है वो हाई टेम्परेचर का होता है, तो इस कारण आप वो नहीं बना सकते हैं क्योंकि ये ब्रेक हो जाएगा। तो चलिए मैं आपको जल्दी से इसके अंदर एक एग्जांपल देता हूँ, ये कॉफ़ी बना के दिखाता हूँ, जिससे आपको पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा और आपको पता पड़ जाएगा कि कितना इजी टू यूज़ है। आप इसे कहीं भी ले जा सकते हैं, ट्रैवल, टूर, कहीं भी ले जा सकते हैं, बहुत ईजी है इसको यूज़ करना और काफ़ी अच्छा है और प्रीमियम लुक भी है इसका। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ जल्दी से, इसके अंदर डाल देंगे दूध, जैसे कि ले सकते हैं कि मैंने एक गिलास इसमें दूध डाल दिया, और एक गिलास दूध डालने के बाद भी कि आप देख सकते हैं ये सिर्फ आधा ही भरा है, तो आप सोच सकते हैं कि इसके अंदर आप है ना डेढ़ गिलास दूध आराम से कोई भी शेक वेक कुछ भी बना सकते हैं। और अब इसके अंदर हम डाल देंगे शक्कर,
हम कॉफ़ी डाल देते हैं। देखते ही मैंने इसमें कॉफ़ी डाल दी है। हमें इसके ढक्कन को लगा देता हूँ अच्छे से और एक बार चेक कर लेता हूँ कि ये वाला पोर्शन खुला तो नहीं है, इसको बंद कर देना है और ये कर दिया मैंने बंद। अब मैं इसको ऑन कर देता हूँ और देख सकते हैं ये मिक्स हो रहा है अच्छे से और कॉफ़ी मेरी रेडी हो रही है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। देख सकते हैं आप कि इसके अंदर इतनी पावर है कि बहुत अच्छे से मिक्स कर सकता है। और ये 5 सेकेंड होती बंद कर दीजिए, तो आप देख सकते हैं कि प्रॉपरली मिक्स हो चुका है एकदम अच्छे से और मेरी कॉफ़ी रेडी है, एकदम रेडी हो चुका है। तो काफ़ी इजी है इसको यूज़ करने का। होप कि आपको ये गैजेट बहुत अच्छा लगा हो और आप इसे ज़रूर बाय करें। तो बात करते हैं इसकी प्राइस की। ये मुझे पड़ा है 1400 का और होप आपको बहुत और सस्ते में भी मिल जाए इजीली, जब क्योंकि आपको मालूम है कि अमेज़न और फ्लिपकार्ट सेल आती रहती है, तो आप अच्छा मौका देख के कभी भी इसे बाय कर सकते हैं कम प्राइस में। और इसका जो ये वेट है, अगर आप देखा जाए तो ये काफ़ी लाइट वेट है। इसका जो वेट पड़ जाता है वो पड़ जाता है 0.270 ग्राम का विथ बैटरी, तो काफ़ी लाइट वेट है। आप इजीली इसको यूज़ कर सकते हैं, कहीं पर भी ले जा सकते हैं, ये ब्रेक नहीं होगा, अच्छा प्लास्टिक है, तो ज़रूर इसे बाय करिएगा। होपे कि दोस्तों आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा और आपको ये कूल सा गैजेट बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको ये कूल सा गैजेट बाय करना है तो इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप उधर जाके इसको बाय कर सकते हैं। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दीजिए और बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए। और अगर आपने हमारे चैनल की बाकी वीडियोज़ को अभी तक से नहीं देखा है तो उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप उधर जाके उनको देख सकते हैं। तो दोस्तों हमें ऐसे ही सपोर्ट और ऐसे ही प्यार देते रहिए, हमारा जो ये चैनल ग्रो कर रहा है वो आपके सपोर्ट और प्यार के कारण ही है, उसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही और मैं आपसे फिर मिलूंगा एक न्यू टेक्नोलॉजी एक न्यू गैजेट के साथ अगले वीडियो में हमारे चैनल दी टेक्नोफाइल में। धन्यवाद।